24 success stories, 24 days, SINP approval, then again student visa approval, then again spouse visa approval, then again study visa approval. हमारा success rate match करना बड़ा मुश्किल है. जो 2 crore रुपए का खर्च करना होता है बच्चों की education के ऊपर वो save हो जाता है. Hi everyone, hope you're doing good. I'm Rajiv Arora. I'm a CEO Nationwide Immigration Services. I'm a qualified lawyer and candidate immigration expert. Today I have come to share with you again the success stories which we have got in the month of November. Today is 24th of November and I have 24 stories to discuss and share with you. In today's video, we can discuss what was their NOC code, what was their CRS score, and we will also be discussing what is going to be in the coming future, what Express Entry future looks like. That we can discuss in this video. Stay tuned till the end. आम के पेड़ को लगाने का सबसे उत्तम समय था आज से 20 साल पहले. उससे अगला उत्तम समय आएगा वो है केवल आज. आज ही आपको आम का पेड़ लगाना होगा अगर आपको कल को मीठा खाना है तो. सो कनाडा के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, अपने करियर को अगर आपको अपने बनाना है, तो उसके लिए भी आपको कनाडा का वीज़ा आज ही अप्लाई करना होगा. श्री कृष्णा ने श्री मद्भगवद गीता में कहा है कि कर्म करोगे तो हो सकता है फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने कर्म नहीं किया तो निश्चित कर दिया कि आपको फल नहीं मिलने वाला है. आपको एक्शन लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. इन सब लोगों ने, जिनकी सक्सेस स्टोरीज मैं आपको दिखा रहा हूं, इन सब लोगों ने एक दिन ट्रस्ट करके इनिशिएटिव लिया था. 80% से ज्यादा लोग इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते. वो डिलेमा में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हम स्टार्ट करें या नहीं करें. वो खोजबीन में लगे रहते हैं और अपना समय बिता देते हैं. आपको समय बिताने की जरूरत नहीं है. नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज को चूज करिए. हमारे पास पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए पर्टिकुलर टाइमलाइन रहती है आपको सर्विसेज देने के लिए. चाहे ECA स्टार्ट करना है, एक्सप्रेस एंट्री स्टार्ट करनी है, प्रोफाइल को सबमिट करना है, हमारे पास डेडलाइंस होती हैं. हमारी पूरी टीम डेडलाइन के साथ में काम करती है ताकि आपको सर्विस के अंदर कोई भी इशू ना हो. तो आप बेफिक्र होकर कनाडा इमिग्रेशन प्रोसेस को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं. रिलायबल इमिग्रेशन सर्विसेज एट नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज आर ऑलवेज देयर फॉर यू. सो डू नॉट हेजिटेट एंड जस्ट किक स्टार्ट योर इमिग्रेशन जर्नी विद इंडियाज लीडिंग इमिग्रेशन कंपनी नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज. वी हैव ऑलरेडी हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैव सक्सेसफुली माइग्रेटेड टू कनाडा एंड दे आर लिविंग देयर ड्रीम लाइफ इन कनाडा. एंड आई राजीव अरोड़ा, आई एम ए क्वालिफाइड लॉयर. आई हैव बीन डीलिंग इन ऑल बिजनेस इन्वेस्टमेंट केसेज, एक्सप्रेस एंट्री केसेज, स्टार्टअप वीजा केसेज, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, ऑनर ऑपरेटर प्रोग्राम्स एंड मैनी मोर. इफ यू आर समबडी एट द एज ऑफ 45, यू आर इन्वाइटेड. इफ यू वॉन्ट टू मेक अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन कैनेडा, यू आर इन्वाइटेड. इफ यू आर स्टूडेंट, यू आर इन्वाइटेड. इफ यू आर स्किल्ड प्रोफेशनल, यू आर इन्वाइटेड. देर आर 14 वेज टू इंक्रीज योर CRS स्कोर एंड वी कैन डिस्कस ऑल दोज क्राइटेरियाज ओवर ए कप ऑफ coffee. If you can come to our office, my team will be there to help you. So in today's video, I am going to share a few success stories. मैं आपको motivate करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप action नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? Action नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. हम consultants हैं, अगर हम आपकी मदद करने के लिए ही बैठे हैं. हमारा विजन और मिशन यही है कि आपको सक्सेसफुल बनाएं. एंड दिस इज माय पैशन और मैं इस पैशन को फॉलो करते हुए मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर चुका हूं. तो व्हाई नॉट यू? यू कुड बी द नेक्स्ट वन. ट्रस्ट अस एंड स्टार्ट योर इमिग्रेशन जर्नी. हम अपने जी और जान लगा देते हैं आपके प्रोसेस के अंदर, तो तभी रिजल्ट्स भी आते हैं. आप देखिए कितने इन्विटेशंस. अभी तो CRS स्कोर इज गोइंग 493, फिर भी हमने कितने इन्विटेशंस मंगाए. इसमें बहुत सारे इन्विटेशंस LMIA के हैं, लाइक हु यू नो गॉट देयर LMIAs फ्रॉम कैनेडा. और हमारी कैनेडियन टीम भी हेल्प करती है कि आपको LMIA मिल जाए. हमारी कैनेडियन टीम, रिक्रूटमेंट टीम भी है हमारे पास कैनेडियन, जो आपकी हेल्प कर सकती है आपको LMIA दिलाने में. LMIA कैन बी फ्रॉम 50 पॉइंट्स टू 200 पॉइंट्स. आपकी प्रोफाइल में अगर 300 पॉइंट्स बनते हैं तो आपको 200 पॉइंट्स की LMIA चाहिए. अगर इफ यू आर मेकिंग 440 तो आपको 50 पॉइंट्स की LMIA चाहिए. और वी कैन ऑल्सो हेल्प यू विद योर वर्क परमिट एप्लीकेशन, वी कैन हेल्प यू विद बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉसिबल हो सकती हैं. पॉसिबिलिटी की कोई सीमा नहीं है. 501 के CRS स्कोर के ऊपर, ये सिर्फ हमारे पास अभी 493 के CRS के ऊपर हमने सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की हैं. 24 सक्सेस स्टोरीज, 24 डेज एट नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज. वन, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टडी वीजा अप्रूवल, दिस इज ऑल्सो ऑन 8th ऑफ नवंबर. देन 9th ऑफ नवंबर, 496 CRS स्कोर, 1123 SINP अप्रूवल, देन अगेन स्टूडेंट वीजा अप्रूवल, देन अगेन स्पाउस वीजा अप्रूवल, देन अगेन स्टडी वीजा अप्रूवल, जनवरी इनटेक, देन अगेन स्टूडेंट वीजा अप्रूवल. लाइन लगी है स्टूडेंट वीजा अप्रूवल्स की.
study in Canada with Nationwide Immigration Services. We will make your Canada immigration dream possible in the shortest span of time. We guarantee you the best immigration services in the market. Student visa 2023 intake, January intake, again student visa, again student visa. आप लाइन लगी है वीजा की, विजिटर वीजा अप्रूवल वंस अगेन आप देखिए, एप्लीकेशन वॉज सबमिट इन द मंथ ऑफ अगस्त। स्पाउस वीजा कोई रिजेक्शन का चांस नहीं है। अगर आप पीआर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएनपी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमारा सक्सेस रेट मैच करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि टीम एक्सपर्ट है, डेडलाइन के साथ काम करती है, आईसीसीआरसी से ट्रेंड काम करती है, ट्रेंड होकर के। एंड ऐसा नहीं कि किसी को भी बिठा दिया, एनओसी को 0016। मेरे कनाडा से, मेरे लंदन से क्लाइंट है, नाइजीरियन क्लाइंट, उनका ये वीज़ा है 200 पॉइंट्स की एलएमआई इनको मिली थी एंड इनका 300 सीआरएस स्कोर था, 500 पे जंप किया, इनवाइट आया, ही लैंडेड इन कनाडा। बच्चों को साथ लेके जाते हैं, सबकी एजुकेशन फ्री होती है, आपके पेरेंट्स के पीआर वीजा आ जाते हैं, जो 2 करोड़ रुपये का खर्च करना होता है बच्चों की एजुकेशन के ऊपर वो सेव हो जाता है। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है कनाडा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही पैसा यूनिवर्सिटी को भी तो पे करना होता, 2 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी को पे करने से अच्छा है कि वो अपना खुद के पीआर वीजा के ऊपर खर्च कर लेते हैं। और बच्चे फ्री में पढ़ते हैं कनाडा के अंदर, 2 करोड़ रुपया 50-55 लाख 70 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये आप 2 करोड़ रुपया कमाते हैं। मनी सेव इज इक्वल टू मनी अर्नड, जितना पैसा उनको खर्च होता अपने बच्चों की एजुकेशन पे यूनिवर्सिटी में देकर के, वो सब बचा लिया 1.5-2 करोड़ रुपया। तो दे आर नॉट स्पेंडिंग एनी मनी, दे आर अर्निंग आउट ऑफ देयर पीआर वीजा। पीआर वीजा भी मिल रहा है, बच्चों के साथ कनाडा में रह भी रहे हैं और बच्चे फ्री में एजुकेशन भी ले रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज भी मिल रही हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। नॉट एट ऑल इन्वेस्टिंग, जस्ट सेविंग मनी एंड अर्निंग मनी थ्रू पीआर वीजाज विद क्वालिटी लाइफ। आप देखिए, फिर पीआर वीजा अप्रूवल, आपको मैं मोटिवेट करना चाहता हूं, आपको प्रोसेस स्टार्ट करना होगा, अदरवाइज वो पैसा आपका बैंक में पड़ा रहेगा, बैंक में मिलेगा आपको 6% ब्याज और इन्फ्लेशन रेट है 7-8%। आपका पैसा कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। पैसे को जैसे गोल्ड में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, वैसे थोड़ा सा पैसा करियर पे लगाना पड़ता है। जो पैसा आपके पास रखा हुआ है बैंक के अंदर कोई काम नहीं आने वाला आपके, उसको कुछ पैसे को करियर में भी लगाना पड़ेगा, कुछ आपको डिफरेंट डिबेंचर्स में, स्टॉक में आपको लगाना पड़ता है, वैसे करियर के ऊपर भी पैसा लगाइए, नहीं तो वो पैसा आपका कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। एफडी के अंदर कभी पैसा बढ़ता नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज विजिटर वीजा अप्रूवल। आपको मैं मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, गारंटी देना मेरा काम नहीं है, बट आपको ये कहना काम है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तब तो मेरी गारंटी आपका नहीं होने वाला है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तब तो मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं होने वाला है। अगर आपने स्टार्ट कर लिया, वी आर द कंसल्टेंट्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल, नेशनवाइड इमिग्रेशन सर्विसेज टीम इज वेरी रिस्पॉन्सिबल टीम, हम अपनी जान लगा देंगे आपको सर्विसेज देने के लिए। बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, अगर मैं आपको अपने क्लाइंट को सक्सेसफुल बना दूंगा तो मैं अपने आप से सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो मैं आपको सक्सेसफुल क्यों नहीं बनाऊंगा, मेरा तो इंटरेस्ट पूरा आपको सक्सेसफुल बनाने में, तो ये म्यूचुअल हमारा इंटरेस्ट है। तो स्टार्ट योर एप्लीकेशन, चूज, क्लोज योर आइज एंड चूज नेशनवाइड एंड स्टार्ट योर इमिग्रेशन जर्नी टुडे, डू नॉट वेट, फ्यूचर इज गोइंग टू बी ब्राइट, क्योंकि आप जनवरी से ऑक्यूपेशन इन डिमांड बेस होने वाला है प्रोग्राम, बिल C-19 ऑलरेडी सबमिटेड है, जनवरी में इंप्लीमेंट हो सकता है, टारगेटेड ऑक्यूपेशन आ सकते हैं, आपकी एज ज़्यादा हो, सीआरएस स्कोर कम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको इन्वाइट मिल सकता है। सो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, नेगेटिव आदमी कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, चाहे रिजल्ट मिले नहीं मिले ऑप्टिमिस्टिक तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या करोगे। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था कि पार्थ, अगर तुम कर्म करोगे नहीं करोगे तो क्या करोगे, कुछ तो करोगे, चाहे रोओगे, चाहे सोओगे, चाहे बैठोगे, चाहे उदास बैठे होगे, तब भी कर्म तो हो ही रहा है आपके शरीर से, आपसे कर्म तो होना ही है, आप एप्लीकेशन ना करो तब भी कर्म हो रहा है आपसे। कर्म वो करो जिसके अंदर रिजल्ट आने के चांस हो, नहीं तो खाली तो बैठना ही है, खाली बैठे रहिए, जो आज तक नहीं वही करते आओगे, जो करते आ रहे थे तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था, अब तक अप्लाई नहीं किया तो नहीं मिल रहा था, अगर अप्लाई करोगे तो ही मिलेगा, तो वही करते रहोगे जो करते आ रहे थे तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा था, कुछ नया नहीं होने वाला है, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मेरा काम आपको मोटिवेट करना है, गारंटी फिर भी मैं नहीं देता हूं, हम कंसल्टेंट्स हैं, अगर हमने वीजा स्टैंप करके देना होता तो हमारी एक अलग बात होती, हमने कोई वीजा नहीं स्टैंप करना होता, वी आर द कंसल्टेंट्स, वी नो हाउ टू मेक ए परफेक्ट एप्लीकेशन, एक परफेक्ट एप्लीकेशन तक आपके डॉक्यूमेंट्स को रीच कराने के लिए क्या क्या एक्सपर्टाइज चाहिए, कैसे इस गैप को फिल करना है, ये काम हम करते हैं, तो वो काम हम आपकी एप्लीकेशन में करेंगे, तो उसी तरह से हमारे पास रिजल्ट्स भी आते हैं, सारे रिजल्ट ऐसे ही आए हैं हमारे पास आज तक कि हमने उनकी आपकी एप्लीकेशन को मैच कराया है परफेक्ट एप्लीकेशन के साथ, ये हमारे कंसल्टेंट्स का फर्ज होता है, हमारा काम होता है, एंड वी आर बेस्ट एट इट।
अगला 496 का सीआरएस स्कोर है, आज ही का है हमारा। मेरे क्लाइंट्स के इसमें नेम भी मेंशन कर सकता हूँ, मिस्टर प्रशांत सिंह, मिस सौम्या सरीन, आज का इनका आईटी है 493 पर, 497 के ऊपर। मिस राजनदीप कौर मेरी क्लाइंट हैं, इनके कुछ एलएमआईएज इनको इन्होंने इनको मिले थे जिसपे इनके 50 पॉइंट्स मिले और 497 का सीआरएस स्कोर हो गया। आपका भी हो सकता है, आपका भी पीएनपी इनवाइट आ सकता है, आपका भी एसआईएनपी अल्बर्टा, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, क्यूबेक, आपके प्रोग्राम से भी आपको इन्विटेशन मिल सकता है इन प्रोग्राम से। तो डू नॉट डिले, सबमिट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। सीआरएस स्कोर वॉज 491 इन द रीसेंट ड्रॉन 23rd ऑफ नवंबर एंड टोटल इन्विटेशंस वर 4,750, 4,750 लोगों का बड़े साइज का ये ड्रॉ था। 491 वॉज द सीआरएस। आने वाले टाइम के अंदर सीआरएस स्कोर और 2 से 3 पॉइंट जाएगा हर ड्रॉ के अंदर एंड इट विल कम बैक टू 470 to 75 इन कमिंग 4 to 5 मंथ्स ऑफ टाइम। डू नॉट डिले, स्टार्ट योर WS प्रोसेस, स्टार्ट योर आइल्स प्रिपरेशन। आइल्स प्रिपरेशन के अंदर भी हमारी टीम जान लगा देगी, आपके पीछे पड़ जाएगी। आपका ड्रीम नहीं होगा, मेरी टीम का ड्रीम हो जाएगा। आपका गोल नहीं होगा, मेरी टीम का गोल हो जाएगा। आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं आपका, पकड़ के आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, हमारी टीम पीछे पड़ जाएगी। एक बार आपने स्टार्ट किया, हमारी टीम आपके पीछे पड़ जाएगी आपको आइल्स क्लियर कराने के लिए। अगर आपके 0.5 कम आ रहे हैं तब आपके पीछे पड़ जाएगी। आपको कैसे अचीव है, टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, ट्रेन करेंगे। हमारी कोचिंग खत्म नहीं होती है, 12 महीने कोचिंग देते हैं 24/7। कभी भी आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, दिन में 6 सेशंस होते हैं, कोई भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगी, क्योंकि आर ड्रीम, आर विजन, आर मिशन इज टू मेक योर कैनेडा इमिग्रेशन ड्रीम पॉसिबल। यही हमारा पैशन है, यही हमारा बिजनेस है, यही हमारी कंसल्टिंग है एंड वी आर अप फॉर इट। इफ यू आर, प्लीज बुक ए कंसल्टेशन, स्टार्ट योर इमिग्रेशन जर्नी। माई बेस्ट विशेज आर देयर विद यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।